बुलेट रफ्तार के साथ बढ़ रही है भारत की ताकत। मोदी सरकार की रणनीतियों से चीन भी हैरान। कई मामलों में चीन को भी ओवरटेक कर चुका है भारत। अब युद्ध हुआ तो चीन की होगी भयंकर ऐतिहासिक हार। हथियारों के साथ भारत के पास मौजूद हैं कई तरह के चक्रव्यूह। दोस्तों, अभी तक यही समझा जाता रहा है कि चीन भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर है। शुरुआत में जब भारत और चीन के बीच 2017 में तनाव हुआ था डोकलाम को लेकर, जो भूटान का इलाका था, लेकिन एक ट्रीटी यानी संधि के चलते भारत भूटान के इस एरिया की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। उस समय भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत आ गई थी, लेकिन उस वक्त भारत ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें LAC पर तैनात कर दी थी। तब डर कर चीन पीछे चला गया था और डोकलाम विवाद खत्म हो गया था। तब असल में चीन ने जाना था कि भारत ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है, और उसके बाद अब 5 सालों में भारत ने खुद को चीन के खिलाफ ऐसे ऐसे हथियारों से तैयार कर लिया है जिसके बारे में वास्तव में चीन जानता भी नहीं है। इसको लेकर खुद PM मोदी एक बयान भी दे चुके हैं कि भारत ऐसी रिस्क नहीं ले सकता कि भारत और दुश्मन दोनों के पास सेम हथियार हो। ऐसे में भारत ऐसे ऐसे हथियारों को सीमा पर लेकर आएगा जो ना तो पाक और ना ही चीन ने कभी देखे हो। यानी दोस्तों, इससे साफ है कि भारत पाकिस्तान तो छोड़ो, खुद चीन से आगे निकल गया है। और दोस्तों, यहां पर हम आपको भारत की ताकत को लेकर एक और अहम बात बता देते हैं। ये हथियारों के अलावा भारत के पास ऐसे ऐसे तरीके हैं, ऐसी रणनीतियां हैं जिनके बल पर भारत चीन को चुटकियों में मात दे सकता है। चीन की कोई देश हेल्प भी करने आ जाए तो वो भी जीत नहीं सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चीन जितना चाहे आर्थिक सुपर पावर हो जाए, जितना चाहे सैन्य रूप में ताकतवर हो जाए, भारत के पास चीन की वो कमजोरी है जो उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बनेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के हथियारों के अलावा वो ताकत जिनसे वास्तव में चीन ज्यादा डरता है। सिर्फ 8 सालों में भारत निकल गया चीन से आगे। अब जिनपिंग भारत से उलझे तो मुंह की खाएगी चीनी सेना। दोस्तों, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में जो हम कुछ आपको बताने वाले हैं वो 100% सही है। चीन को लेकर इस बार भारत उसी रणनीति को अपना रहा है। आप सवाल करेंगे कि आखिर चीन की वो क्या रणनीति है जो अब भारत की ताकत बन गई है। दोस्तों, भारत जानता है कि भले ही चीन के पास भारत से बड़ी सेना है, उसके पास ज्यादा हथियार हैं और तकनीक के मामले में भी कुछ मामले में वो भारत से आगे हो सकता है, लेकिन दोस्तों भारत एक तरीके से उसे मात दे सकता है, और वो है चीन की हिट एंड रन की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्लानिंग में ये भी शामिल है कि चीन की इस रणनीति को अपनाकर चीन का भुड़ता बना दिया जाएगा। हिट एंड रन यानी मारो और भागो। दरअसल चीन ने इस रणनीति को 1950 से 1953 के कोरियन युद्ध में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उस वक्त चीन ने अपने 3 लाख सैनिकों को यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ मैदान में उतारा था, जिसमें UN की सेना में अधिकतर जो सैनिक थे वो अमेरिकी ही थे। जाहिर सी बात है, अमेरिका उस वक्त भी चीन से हर मामले में आगे था, लेकिन चीन ने सरप्राइज फैक्टर को युद्ध में इस्तेमाल किया, यानी नॉर्दर्न कोरिया के माउंटेन को कवर की तरह इस्तेमाल किया। इस रणनीति के साथ 1950-51 की सर्दियों में चीन की सेना अमेरिकी सेना को हराने में सफल रही थी। चीन के सैनिकों ने एक अमेरिकी इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सेना की एक टुकड़ी करीब करीब नष्ट कर दी। अब यही रणनीति भारत चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। LAC पर पहाड़ियां हैं जो भारत के लिए फायदेमंद है। पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में चीन का भी बाप है भारत। पहाड़ी युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है भारत। दोस्तों, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा ये जानकर कि भारत की सेना को पहाड़ी युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता है, और दुनिया का हर देश ये मानता है कि पहाड़ी युद्धों में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत को मात दे सके। खुद अमेरिका ने भी इसे स्वीकार किया है। ये चीज चीन के पास नहीं है और यही भारत के लिए फायदेमंद है। चीन ने काफी समय से कोई जंग भी नहीं लड़ी है। चीन ने वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 48 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है।
उसके पास टेक्नोलॉजी जरूर है लेकिन पहाड़ों में उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसी चीज में भारत की सेना माहिर है। चीनी सैनिकों को सकरी गलियों में से होकर निकलना है और उसी दौरान उन पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। ये बात पक्की है कि चीन कभी भी पहाड़ों पर भारत के साथ जंग नहीं करेगा। अगर यहाँ पर उसने भारत से युद्ध करने की भूल की तो उसका क्या हाल होगा ये तो आपको पता ही है। चीन ने वियतनाम वॉर के बाद यानी करीब 50 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और जबकि चीन की सेना इस मामले में भारत से काफी पीछे है। इंडियन आर्मी के पास बहुत सारे पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण है जबकि चीन के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। चीन की सबसे कमजोर नस है मलक्का स्ट्रेट, इसके जरिए चीन को बर्बाद कर सकता है भारत। दोस्तों एक और चीज है जिसके जरिए भारत चीन को बर्बाद कर सकता है और वो है मलक्का स्ट्रेट। भारत चीन को हिंद महासागर में घेर कर मार सकता है और वहां पर चीन की सबसे कमजोर नस है मलक्का स्ट्रेट। चीन अपना सारा व्यापार इसी रास्ते से करता है। अब ये क्या चीज है ये समझिए। दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक संकरा समुद्री गलियारा है जो 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1,00,000 शिप गुजरते हैं यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के हैं। चीन के कुल तेल का करीब 80% आयात मलक्का स्ट्रेट के संकरे समुद्री गलियारे से होता है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत एक योजना पर काम कर रहा है अंडमान निकोबार कमान के साथ। इसे भारत ने यहाँ पर तैनात कर दिया है। अगर भारत मलक्का स्ट्रेट पर चीन के लिए दिक्कत खड़ी कर दे तो उसका तेल बंद हो जाएगा और ये बात खुद चीन जानता भी है। भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट बना सकता है। यह भारत का पूरा कंट्रोल है। युद्ध के लायक नहीं है चीन के सैनिक, खुद चीनी मीडिया ने किया है खुलासा। चीन को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल जंग के मैदान पर ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सैनिकों का अनफिट होना साबित हो सकता है। दरअसल चीन के ही एक सरकारी समाचार पत्र ने हाल ही में इस बात का दावा किया था कि चीनी सैनिक भारत से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन चीनी सेना की ही एक रिपोर्ट ने इस समाचार पत्र के दावे की पोल खोल कर रख दी। दरअसल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने इस बात को कबूल किया है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए अनफिट हैं। अब क्यों अनफिट हैं? इसका कारण भी लाजवाब है। इसकी वजह है चीनी सैनिकों द्वारा किया जाने वाला मास्टरबेशन। वहीं 20% सैनिकों का वजन ही जरूरत से अधिक है। साथ ही ये भी सामने आया है कि सैनिकों को वीडियो गेम खेलने और स्मार्टफोन चलाने और मास्टरबेशन करने की लत है और ऐसे सैनिक भारतीय सेना से लड़े तो उनकी हार निश्चित है। चीनी सेना को नहीं है युद्ध या ऑपरेशन का अभ्यास। भारत ने कुछ ही सालों में तैयार कर ली है घातक फोर्स। दोस्तों भारत 4 युद्ध तो अकेले पाकिस्तान से लड़ चुका है और भारत अच्छे से जानता है कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं। और सोने पर सुहागा तो अब वैसे भी हो गया है क्योंकि भारत हथियारों के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। चीन भी जानता है कि भारत को युद्ध करने का अच्छा अनुभव है। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 22 साल पहले लड़ा था जबकि चीन ने आखिरी बार 42 साल पहले युद्ध लड़ा था, जहां हिंदुस्तान ने 1999 में कारगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी। तो वहीं चीन की बात करें तो 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चले युद्ध में चीन को वियतनाम ने धूल चटा दी थी और उसने चीन को ऐसी शिकस्त दी थी कि चीन आज भी उसे याद करके सिहर उठता है। वहीं भारत को युद्ध के साथ साथ ऑपरेशन करने का भी काफी अनुभव है। इंडियन आर्मी बेहद ही प्रोफेशनल है। उसे दुश्मन के घर में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी अनुभव है, लेकिन चीन की सेना को किसी तरह के ऑपरेशन का अनुभव भी नहीं है। इस तरह से दोस्तों चीन कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन भारत की जाबाज सेना चीन का मुंह तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की इन तैयारियों को लेकर आप क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखें।